गाइस 2024 का पूरा साल और फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार का ही होने वाला है। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो, सभी फेस्टिवल को अक्षय कुमार की फिल्मों ने बुक कर लिया है। जहाँ पे 2024 की ईद में अक्षय कुमार की मूवी बड़े में या छोटे में आने वाली है, वहीं पे दिवाली में अक्षय कुमार की मूवी हाउसफुल 5 आने वाली है और क्रिसमस में वेलकम 3 आने वाली है। और आज अक्षय कुमार की और एक फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है दोस्तों, जिसका नाम है स्काई फोर्स। और ये मूवी 2024 में 2 अक्टूबर यानी आज से ठीक एक साल बाद गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने जो पॉलिसी खोली है साल में 4 से 5 फिल्में करने की, तो 2024 में भी अक्षय कुमार उस पॉलिसी को बरकरार रखने वाले हैं। और 2024 में भी अक्षय कुमार की 4 से 5 फिल्में हमें सिनेमा घरों में देखने को मिली जाएगी। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स की अनाउंसमेंट होने के बाद कंगना रनौत की मूवी तेजस, जिसका टीजर आज सोशल मीडिया पे रिलीज हो गया है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कंगना रनौत तो ऐसी ही फिल्में करती है जिसमें हीरो की कोई जरूरत ही नहीं होती है। फिल्म की हीरोइन भी कंगना ही है और फिल्म का हीरो भी कंगना ही है। और तेजस मूवी के टीजर का अगर मैं रिव्यू करूं तो दोस्तों, तो टीजर तो तेजस फिल्म का भी धमाकेदार ही है। टीजर का जो बीजीएम है और कंगना जिस तरह से डायलॉग बोल रही है, तो ये डायलॉग सुन के तो दोस्तों ऑडियंस के दिलों में देशभक्ति जागी जाएगी। और कंगना रनौत ने जो यूनिफॉर्म पहना है और जो गॉगल पहन के वो वॉक कर रही है, तो दोस्तों कंगना रनौत तो रॉकिंग लग रही है। तो दोस्तों, टीजर का बीजीएम, डायलॉग और कंगना का अलग ही स्वैग, इन सारी चीजों ने इसके टीजर को आउटस्टैंडिंग और प्रॉमिसिंग बना दिया है। तो दोस्तों, जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा तो इस फिल्म के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इस फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर यानी एयरफोर्स डे के दिन आने वाला है और यह मूवी 27 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर आने तक वेट करते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।